हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रोन टेक डॉक्टर। वंस अगेन ड्रोन डॉक्टर में आपका स्वागत है। तो अगर आपने चैनल पर तो भी सब्सक्राइब करें, तो इस चैनल पर हम लाते हैं ड्रोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए, जैसे मैंने कल आपसे डिस्कशन किया था कि इंडियन गवर्नमेंट इज फेवरिंग इंडियन ड्रोन प्लेयर्स, इंडियन ड्रोन मेकर्स। तो आज एक नया ड्रोन अप्रूव किया गया है DGCA की तरफ से और लिस्ट कर दिया गया है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर। और अलग बात यह है कि ये ड्रोन स्मॉल कैटेगरी का है, यानी हमारी जो कैटेगरी ड्रोन है माइक्रो कैटेगरी के, उससे बड़ा साइज का 2 से 5 किलो के जो बीच में ड्रोन फॉल करते हैं, जिनका हाई पेलोड, मतलब इंडस्ट्री ड्रोन ही है ये, जो कि पहला इंडस्ट्री ड्रोन है जो कि इस कैटेगरी में लिस्ट किया गया है। कोई डिस्कशन चल रहा था इंडियन गवर्नमेंट इज फेवरिंग इंडियन ड्रोन मेकर्स, सो दैट जो चाइनीज कंपनीज हैं जो कि जिन्होंने बाहर पूरे वर्ल्ड ओवर में ड्रोन मार्केट पे कब्जा किया हुआ है, वो इंडिया में ज़्यादा दबदबा ना बना पाए, यही कारण है। तो बात करते हैं क्या है नया ड्रोन। तो पहले दिखाता हूँ आपको ड्रोन सिस्टम्स, मतलब एंटरप्राइज जो स्टार्टअप है उसका नाम है अर्नव अनमैंड सिस्टम्स, जो कि स्मॉल कैटेगरी में फॉल करता है। और ये है इनकी साइट, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है DGCA रेगुलेटरी कंप्लायंट डिजिटल स्काई एनेबल्ड। तो AUS जो है कंपनी इंडिया की जिसको इन्होंने किया है, तो AUS builds autonomous drones that which come with ease of operation and can be operated by any user without specialized training। तो मतलब वो ऑटोमेटिक सिस्टम, उसमें ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हैं, और इन टेक्नोलॉजी IP एंड टू एंड सोल्यूशन स्केल ऑफ ऑपरेशन। तो ये देखिए कमर्शियल ड्रोन सेगमेंट के ऊपर ही आ रहा है। एप्लीकेशंस ये सारी माइनिंग में काम आएगा ड्रोन, अर्बन डेवलपमेंट में काम आएगा, रोड एंड सेफ्टी। तो मतलब सारा जो मैं आपको पहले बताता हूँ, ये सब फील्ड हैं जिसमें आपके लिए जॉब्स हैं अगर आप ड्रोन पायलट बन जाते हैं। तो ये इंडस्ट्री ग्रेड का इन्होंने निकाला है ड्रोन, जो कि लॉन्च हो गया है, बेंगलोर की कंपनी है। एंड इट इज़ ऑलरेडी, लेटेस्ट अपडेट ये है कि इट इज़ ऑलरेडी लिस्टेड ऑन डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। और ड्रोन का नाम है इनसाइट PPK। तो इसके बारे में थोड़ा आपको दिखाते हैं। सो इट इज अ मल्टीकॉप्टर ड्रोन एक्सक्लूसिवली डेवलप्ड फॉर सर्वेलेंस के लिए और मैपिंग एप्लीकेशंस के लिए। एंड इट एलिमिनेट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ GCP ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स एंड टू गेट सर्वे ग्रेड एब्सोल्यूट एक्यूरेसी विद सेव सिग्निफिकेंट टाइम। तो मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पैक्ड जो कि DJI के ड्रोन्स करते हैं, वो सब कुछ इसमें डाल दिया गया है। और ये हैं इसकी कुछ फीचर्स, 30 मिनट का फ्लाइट टाइम, 3 किलोमीटर ऑपरेशनल रेंज है इसकी, और 10 मीटर पर सेकेंड विंड रेजिलेंस। तो ये इसकी, और ये देखिए स्मॉल कैटेगरी में है, यानी 3.5 किलो का ड्रोन है, तो काफ़ी हैवी पेलोड है। और ये हैं इसके फीचर्स, स्काईलिंक सिंपल येट सिक्योर ग्राउंड कंट्रोल। और ये है खास बात जो कि आप सबको नोटिस करने वाली है कि इसको इन्होंने नेम NP-NT कंप्लायंस यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करवाया गया है, ताकि परमिशन से ही ये उड़ पाएगा। बाकी साइज ऑफ द बॉक्स 900 मिलीमीटर इंटू 350 मिलीमीटर, 360 डिग्री व्यू ऑफ इनसाइड PPK दिखाते हैं आपको। तो इस तरह से है ये ड्रोन, काफ़ी बड़ा, ह्यूज, हैवी पेलोड वाला। और 30 मिनट का इसका है फ्लाइट टाइम। और ये है इसमें कैमरे के सेटिंग्स, जिस इज वीओ टी लेंस लगा हुआ है, सैन एलिमेंट्स और मैक्सिमम ISO, ये सारे इसके कैमरा के फीचर्स हैं जो ये इसके साथ लगा हुआ है। हाई एंड कैमरा लगाया गया है फॉर द गुड एप्लीकेशंस, और सारी इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं। तो इसका मैंने लिंक दे दिया है इस साइट का। तो फ्रेंड्स, जो हम सोच रहे थे वही हुआ कि एक और ड्रोन इंडियन मेड ड्रोन लिस्ट हो गया है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर। एंड दिस ड्रोन इज इंडस्ट्रियल ड्रोन एंड इट इज इन द कैटेगरी ऑफ स्मॉल ड्रोन्स। और ये पहला ड्रोन है इंडिया का जो कि हैवी वाले पेलोड में, यानी 2 से 5 किलो स्मॉल कैटेगरी में लिस्ट हुआ है। तो आपके क्या विचार हैं इस ड्रोन के बारे में, और
और डिस्कशन लिखिए ज़रूर कमेंट बॉक्स में, आप क्या समझते हैं, क्या अब आने वाले टाइम में हमारे और आपके टाइप के लिए माइक्रो ड्रोन्स जो कि कंज्यूमर लेवल के हैं, फोटोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी के लिए स्पेसिफिकली बनाए गए, वो क्या कोई इंडियन स्टार्टअप लॉन्च करेगा? करेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको क्या लगता है। मुझे लग रहा है काफ़ी जो ज़ोर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है वो इंडस्ट्री ड्रोन पे है, और जितने भी स्टार्टअप्स मैंने अभी तक देखे हैं, चाहे वो माइक्रो ड्रोन ही क्यों नहीं बना रहे, जो पीछे दो तीन लिस्ट हुए थे वो भी वो माइक्रो कैटेगरी के थे, स्टिल दे आर नॉट कंज्यूमर ड्रोन्स, दे आर अगेन इंडस्ट्रियल ड्रोन्स लेकिन माइक्रो कैटेगरी, क्योंकि उनका वेट कम था। अब ये भी इंडस्ट्रियल ड्रोन है लेकिन ये कैटेगरी अलग है, वेट इसका कितनी ज़्यादा है और पे लोड इसमें ज़्यादा है। तो इस तरह से आपका जो है इंडियन गवर्नमेंट का झुकाव इंडस्ट्री ड्रोन की तरफ ज़्यादा है। तो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स लिखिए और शेयर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए, ताकि पता लगे कि हम मतलब ड्रोन ट्रैक डॉक्टर और ड्रोन कम्युनिटी जो ड्रोन्स को उड़ाना चाहती है वो क्या चाह रही है। हम 4-5 हज़ार जो बंदे हमारे चैनल पे हैं जो मोस्टली ड्रोन लवर्स हैं, तो वो क्या चाहते हैं, वो कंज्यूमर लेवल ड्रोन्स चाहते हैं, DJI के मुकाबले के ड्रोन्स चाहते हैं। तो वो अब ये इन्फॉर्मेशन जब चारों तरफ फैलेगी तभी इंडियन गवर्नमेंट स्टिमुलेट करेगी इन कंपनीज को कि माइक्रो कैटेगरी मतलब हमारे लेवल के ड्रोन भी बनाए जाएं। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें चारों तरफ और अपने कमेंट से भर डालें, और लाइक ज़रूर करें, लाइक करेंगे तो YouTube अपने आप उसको शेयर करेगा, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि इन चीज़ों से YouTube का जो एल्गोरिदम है तो उसको लगता है कि बंदे ने अच्छी बात बताई है, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अगर आप लाइक या कमेंट नहीं करते हैं तो बस हमारे जैसे 400-500 हज़ार लोग देख के वीडियो ठप हो जाता है। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, चाहे ओके या यस ही लिख दें या यस आई एग्री ये लिख दें, कुछ नहीं आ रहा आपके दिमाग में तो लिखें ज़रूर। जितने ज़्यादा कमेंट्स, जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे ये वीडियो उतना ज़्यादा दौड़ेगा और उतने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, और ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो उम्मीद है कि ये सरकार तक भी पहुँचे, और अगर सरकार तक पहुँचेगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरी बात को ध्यान में रखिए और प्लीज़ लाइक कमेंट और जरूर करें, साथ में सब्सक्राइब भी कर दें तो आगे का क्या बनता है, क्या रिजल्ट आता है, तो वो जानने के लिए आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, तभी आपको नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलेंगी, और घंटी जरूर दबाएं तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो प्लीज़ आपसे दरख्वास्त है हमारे चैनल को पुश करें और आगे लेके जाएं और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चारों तरफ फैलाएं। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।